ये कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लेते हैं अभी हम क्या ये लोग बोले मोहसिन खान ने कहा नासा पे बात कर रहे थे हम नासा नासा रमीश भाई ने सुना कहा था को डाइट प्लान ने रोनाल्डो का गाय है सर मुझे पूछोगे तुम ये सवाल सवाल भी भाई तू अभी तो ना अच्छा चलो चलो जवाब भी दे दो सवाल का उधर भी तुमने तंग किया हुआ था लाइने भी तुम दो अच्छा वो डाइट प्लान हाँ सही कह रहे हैं वो लोग उनकी बात को नहीं समझे वो कह रहे हैं अब जिंदगी पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई पूरी दुनिया खेल रही है जमीन पे पाकिस्तान के जो ये वाले प्लेयर्स हैं ये खेलते हैं चांद पर तो रमेश भाई अब पूरे होलसोल स्पोर्ट्स का फ्यूचर ऊपर देख रहे हैं तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि भैया आसमानों पर फिजाओं पर ही डाइट बनेगी अब अच्छा ये डाइट वाला बड़ा टाइट बंजन रमेश भाई लेकर आए थे अच्छा ये कोई नई बात नहीं है रोनाल्डो मेसी एक ही आदमी में हमारे पास रोनाल्डो मेसी वैसे तो दुनिया में दो लोग हैं हमारे पास एक ही आदमी में दोनों चीजें मिलती हैं और वो इस कदर नाकारा है आपको याद होगा एजेक्स के लोग ऑफिस पहुंच गए थे आयक्स एम्स्टर्डम फुटबॉल क्लब और शादाब वहाँ वेट लिफ्टिंग मतलब शादाब ने उस दिन एक होता उठाना शादाब ने यकीन करे बस अब मैं क्या बोलूं मुंह में हाँ। उन्होंने ये कह दिया शादाब ने कि ये क्रिकेट के रोनाल्डो है क्रिकेट अच्छा नेदरलैंड्स में तो लोगों को क्रिकेट का पता नहीं है हाँ। सही, सही। शुक्र फुटबॉल वालों से कहा अगर किसी क्रिकेट वाले से कहते वो पकड़ के कूट रहा होता एक ही आदमी दोनों चीजें डालती है तो भाई अब दो लोगों का डाइट प्लान किसी एक में डालना हो तो रमेश भाई बता सकते हैं ये फॉर्मूला तो उन्हीं के पास होता है तो उन्होंने जो बताया फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बताया क्योंकि वसीम भाई अपनी किताब में कहते हैं वसीम अकरम जनाबे वसीम अकरम खड़े होते ये अपनी पोजीशन की वजह से स्लिप में खड़े होते तो मेरे बड़े कैच छोड़े इनकी सिफारिश अब्बू की जैक पे सिफारिश थी रमेश भाई आपकी वसीम लेकिन रमेश भाई की एक और बात याद रखिएगा इन्होंने नहीं 24 नहीं उन्होंने कहा कि सरफराज की क्रिकेट खत्म हो गई और रमेश भाई और सरफराज का आज भी आप दोनों का एवरेज चेक कर लें अच्छा मगर रमेश भाई की अच्छा इसका ज्यादा का मसला ये कि ये तो लानत नहीं है क्यों बात करते हैं ऐसे लोग सरफराज पर एक तो ये भूल जाते हैं रमेश भाई अब मेरे पास कल भी मैंने बताया कि मेरे पास बैठ के ये कह रहे थे शो पे कि यार अगर आमिर की वापसी हो गई ना क्रिकेट में मैं क्रिकेट पे बात करनी छोड़ दूंगा इनका ये कहना था मगर बात वो ये ना जब दिखाओ ना जेब से निकाल के अब वो बात नहीं कर रहे थे अब वो सही कह रहे थे सेटिंग पे बात वो अब सेटिंगों पे बात कर रहे हैं साजिशों पे कट पे बाबर ही क्रिकेट है उन्होंने आप समझे नहीं वो अपनी बात से फिरे नहीं है मुझे कल याद आया उन्होंने कहा था क्रिकेट पे बात नहीं करूंगा इसलिए उन्होंने बाबर का नाम क्रिकेट रखा फिर उन्होंने कहा अब मैं बाबर पे बात करूंगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने क्रिकेट पे बात किसी ने पूछा कि भाई आप तो फिर क्रिकेट पे बात कर रहे हैं उन्होंने बोला नहीं बाबर ही क्रिकेट है क्रिकेट ही बाबर है उन्होंने यूं कर दिया और शादी की भी बात होती तो कहते बाबर ही है मतलब स्टूपिड ये बात भी नहीं करता मुझसे मैंने सुना था वो कह रहे बाबर आई वांट टू मैरी यू मतलब क्या मतलब भाई को ब्रिटेन मतलब को यूरोप वोरप चले जाओ क्या मतलब हमारे यहाँ तो नहीं हम जिंस परस्ती का यार सिस्टम है सही बात ये वैसे बात लोगों ने बड़ी मजाक में मतलब रमेश भाई जैसा पढ़ा लिखा आदमी उनके फैसलों पर आप करें इख्तिलाफ रमेश भाई को आवाज ही नहीं जाती उनके कानों पे बाल कौन से तो ये कानों पे बाल रख के कौन से शौक पाल लिए कहीं और बाल रख ले यार अभी मैंने देखा एक आदमी को जबरदस्ती उसको गिरिबान से पकड़ के सब जा रहे थे देखो जब मैं चेयरमैन आया तो मैंने ऐसा कर दिया कि अबे यार कमाल हो गया तुम्हारी चेयरमैनशिप में जितनी क्रिकेट बर्बाद हुई है ना रमेश भाई कुछ बर्बाद तुम्हें आए इसीलिए थे ऐसा लग रहा है फार्मूला ही बर्बाद करना चेयरमैन भी रमेश राजा ठीक है हमें भी पता है अंडर 19 लीग के जो तुम गाने गाते हो ना हमें भी पता है किस किस के लड़के मैं चाहता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होगी हम परेशान रहेंगे तो रमेश भाई में पूरी सलाहियत है कि बर्बाद खराब रमेश भाई कपल ऑफ इयर्स खा जाएंगे रमेश भाई को चेयरमैन नहीं रमेश भाई को पीसीबी का वॉचमैन बना दिया जाए वॉचमैन ताकि बाहर से कोई अंदर ना बाहर से नहीं बाहर से अंदर कुछ हो ही ना पाए सही कह रहे क्रिकेट के राजा क्रिकेट के राजा इनको वॉचमैन बनाया जाए